दोस्तों, दिस इज़ मोनेश्री। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो अभी अभी मैंने मेहंदी लगा कर आई, जो बालों में मेहंदी मैंने अभी अभी लगा कर आई थी, और बालों के साथ साथ मेरे हाथों भी मेहंदी हो गई है। एकदम लाल लाल दिख रही है, यहाँ पर लाल लाल नहीं, थोड़ा थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है। सुबह की शुरुआत हमेशा थोड़ी सी मुश्किल होती है। अलार्म बजता है और आँखें बंद करके 5 मिनट और सोने का मन करता है। उठते ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि रूम कितना मेस हो रखा है। सोचा चलो जल्दी से बेड ठीक कर लेती हूँ। सबसे पहले बेड ठीक किया, बेडशीट को प्रॉपरली स्प्रेड किया और पिलोज़ को अच्छे से सेट कर दिया। फिर मैंने रूम को क्लीन किया, क्योंकि एक क्लीन स्पेस से ही प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी पिया ताकि हाइड्रेशन मेंटेन रहे। पावर ऑन। उसके बाद मैंने अपने स्पीकर को चार्जर पे लगाया। मेरा मॉर्निंग रूटीन हमेशा पॉडकास्ट के बिना अधूरा लगता है। आज मैं मेहंदी लगाने वाली हूँ, अपनी हाथों में नहीं, अपनी बालों में। और ये वीडियो कब आएगा मुझे खुद भी पता नहीं, पर आजकल मैं थोड़ी कंसिस्टेंसी रखने की ट्राई करती हूँ। फिर भी मुझे बुरा लगता है जब आप लोग वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते हो। फिर भी एक उम्मीद लेकर मैं न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ कि कभी ना कभी आपका भी मन कर जाए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं इंग्रेडिएंट के बारे में। तो मेहंदी के लिए हमें सबसे पहले मेहंदी ही चाहिए। उसे साइड में रख के हमें एक बाउल में पानी के साथ चाय पत्ती को बॉईल करनी है, जब तक अच्छे से उबाल आ जाए। इसे छान के इस पानी को ठंडा होने तक रख दे। देन इसी पानी में मेहंदी पाउडर को ऐड करना है और अच्छे से मिला देना है। मैंने यहाँ थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल भी ऐड की है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि वो जो चाय पत्ती बच गया था, आप उसे प्लांट्स में भी दे सकते हो। अब इसकी प्रिपरेशन तो हो गई है, इसे एक रात के लिए ऐसे ही रखना है, नेक्स्ट डे बालों में अप्लाई करनी है। तो मैंने ऑलमोस्ट मेहंदी अपने बालों में लगा दी है। कहीं आप बोर ना हो जाओ तो मैं आपको मेरे बारे में एक फ़न फैक्ट सुनाती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे मेहंदी बहुत पसंद थी, उसकी खुशबू, कलर, सब कुछ मुझे बहुत पसंद था। पर मुझे मेहंदी के डिज़ाइन बनानी नहीं आती थी, मुझे सिर्फ गोल गोल चक्कर बनानी आती थी और वो भी बहुत सुंदर दिखता था। तो इसे 2 घंटे के लिए ऐसे ही रखना है। आमतौर पर इसे नॉर्मल वाटर से वॉश करते हैं, बट मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड करी थी तो शैम्पो ही बेटर होगा। नेक्स्ट डे मुझे रक्षाबंधन से रिलेटेड एक मिनी वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, तो मुझे एक परफेक्ट बैकग्राउंड क्रिएट करनी है जो कि ट्रेडिशनल वाइब्स थे। ये टेबल यहाँ से हटाना पड़ेगा और सबसे मुश्किल काम है आउटफिट और ज्वेलरी सिलेक्ट करना। इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और इसी वीडियो को क्रिएट करने में भी मुझे 2 घंटा लग गया। आई होप कि वीडियो अच्छा आए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे फिर से ये सब ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।